जर्नलिस्ट साहब जम्मू कश्मीर के सदर जनाब राजा निसार साहब जो आज की इस तकरीर के मेहमान खुसूसी भी थे। मैंने पहले भी उनको कई दफ़ा रावला कोट आने की ज़रूरत दी और वो हाजिर होते रहे और आज भी मैं इस हवाले से कुछ ज़्यादा मैंने उनको जोर नहीं दिया कि मुझे भी अंदाज़ा था कि कोरोना भी है, हालात भी ठीक नहीं है, यहाँ ये सारे होटल भी बंद हैं, उस तरह से हम कोई प्रोग्राम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हमारे मकामी जो लोग थे वो भी कोई मदद करके चले गए, किसी का कोई मर गया, किसी का कोई जिंदा हो गया, किसी का कोई बीमार हो गया। तो ये हमारे मोहतरम कोटली से तशरीफ लाए, मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारे बहुत मोहसिन हैं, हमने बात में लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा देर हो रही है। इस रावल कोट में साफत की बुनियाद रखी, हमारे चंद लोग शायद जानते हैं कि पहले कोई दो चार लोग होते थे जो मुंशी थे, कोई किसी जमात का मुंशी था, कोई किसी जमात का मुंशी था, तो वो साफत का भी शुगर फरमाया करते थे। और मैंने अल्लाह के फजल से यहाँ साफत का आगाज़ किया और फिर शायद लोगों को पता होगा कि हमने अपना मनवाया था। और आज जो सूरत हाल पैदा हो रही है, गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं, ये जो यूनियन, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इसकी भी बुनियाद हमने रखी और बदकिस्मती से आज वो 7 टुकड़ों में, किसी का कोई बाग वाला अलग है, मुजफ्फराबाद वाला अलग है, मीरपुर वाला अलग है, रावला कोट का ग्रुप अलग है, इसका पता ही नहीं कौन। इसी तरह एक चोर था, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नाम से रियासत जम्मू कश्मीर में एक चोर था जो आज भी तंजीम के 35 लाख रुपए लेके इंग्लैंड में बैठे और उसके यहाँ भी पाबंदी थी, कोई आदमी मेंबरशिप नहीं ले सकता। जिस तरह यहाँ साकी साहब ने बात की कि गाजी मिलत का नाम बदनाम करके चंद लोग एक ठिया लगा रखा उन्होंने। खालिद इब्राहिम साहब ने कभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया और कभी उनके पास नहीं गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रोग्राम में जनाब खालिद इब्राहिम साहब तशरीफ है, वो अपने वालिद के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा मेरे वालिद ने जो कर लिया है ये बहुत है, और ये उस बेचारे के नाम पे ब्लैकमेलिंग का किया है जो गुज़श्ता 20 साल से किसी और को अंदर नहीं होने देता। चार लोग वहाँ काबू से, और वो कोई किसी का मुंशी है, कोई किसी का। इस हवाले से जो जिम्मेदारियाँ आप दोस्तों ने मुझ पर रखी हैं, अल्लाह का मुझे साबर कदम रखे और इंशाअल्लाह हम इसका हिसाब लें। जहाँ तक राधे साहब ने फरमाया ट्रस्ट फाउंडेशन की बुनियाद हमने रखी, कानून साजी हमने की और उनका कानून मौजूद है कि कोई वकील प्रेस क्लब का सदर नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर प्रेस क्लब का रेगुलर सदर नहीं हो सकता, कोई बिजनेसमैन, कोई किसी इदारे का मुलाजिम, वो सारे ही मौजूद हैं। और अल्लाह के फजल से ये ऐसा होगा। प्रेस फाउंडेशन की राय साहब ने बात की, उसकी हमने बुनियाद रखी। मुमताज़ शमीम चौधरी साहब इंतहाई नेक लोग थे, नेक आदमी थे, उनकी बड़ी मेहनत थी, उनको अल्लाह पाक रीते रहमत करें, वो वफात पा गए। उनकी काविशों से तंजीम भी बनी, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक ही तंजीम थी जिससे आज 7 टुकड़े, और वो प्रेस फाउंडेशन बनी, उसका कानून साजी भी हुई।
लेकिन यहाँ एदालतों का नराला निजाम है। उस प्रेस फाउंडेशन में मैं मेंबर नहीं था, लेकिन राजा साहब मैंने बहाल करवाई, मेंबरशिप मैंने बहाल करवाई और अल्लाह के फजल से उसका भी हम पूरी तरह हिसाब लेंगे। जिस तरह राजा साहब ने कहा कि यहाँ अदालतों में हम भी अदालत में लेते हैं, हमारा स्टे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हमारा स्टे मौजूद है। इसके बावजूद यहाँ के चंद साथी जो पता नहीं सेक्टर वन के हैं किन के हैं, जूते की नोक पे अदालत को और वकीलों को रख के आपने बाड़ी कमाई, और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम इस अदारे की बुनियाद रखें। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह के फजल से इस अदारे की बुनियाद हमने रखी है और इसको इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश से दयानतदारी से ईमानदारी से कामयाबी की तरफ लेके चलेंगे। आपके तावन से बहुत शुक्रिया सबका, मेरे सारे जो दूर दराज से लोग आए हैं उन सबका शुक्रिया, हमारे मोहतरम गाजी साहब सलीम जोर साहब नम्रदार एजाज साहब जो भाई साहब बीमार भी हैं जो काफ़ी देर से तशरीफ फरमा है, मैं उनका और सारे दोस्तों का इतना ही शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर राजा साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।